चुनाव आने को है और दोनों ही राष्ट्रीय प्रमुख पार्टियां अपना अपना जोर आजमाने में लगी हैं। किसमें कितना है दम वाला खेल चालू हो चुका है। भीषण बयानबाजियां शुरू हो चुकी हैं और वादों और योजनाओं का पिटारा भी खुल चुका है। खुलकर एक दूसरे की कमियों का ढिंढोरा पीटा जा रहा है। अब देखिए परिवर्तन यात्रा के साथ भाजपा प्रदेश में चुनावी बिगुल फूंकने जा रही है। पहली यात्रा सवाई माधोपुर से शुरू करने के अगले ही दिन 3 सितंबर को वागड़ के आस्था केंद्र बेणेश्वर से दूसरी परिवर्तन यात्रा का आगाज होगा। यह मुख्य रूप से उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों में जाएगी और इसकी शुरुआत करने के लिए 3 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह पहली बार वागड़ आ रहे हैं। इस दौरान प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी भी मौजूद रहेंगे। बेणेश्वर धाम वागड़ की राजनीति का केंद्र बिंदु बनता जा रहा है। राजनीतिक दलों के बड़े आयोजन के लिए बेणेश्वर धाम को चुना जा रहा है और इस यात्रा की तैयारियों पर चर्चा के लिए गुरुवार को बेणेश्वर धाम पर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिले की संयुक्त बैठक केंद्रीय मंत्री एवं राजस्थान चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी के नेतृत्व में हुई। इस अवसर पर संभाग प्रभारी दामोदर अग्रवाल, सह प्रभारी सबलराम देवासी, प्रदेश मंत्री पिंकेश पोरवाल, बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद, गुजरात के पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन भाई पटेल मौजूद रहे। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम पहुंचे थे। अब 25 दिनों बाद ही गृह मंत्री शाह बेणेश्वर आ रहे हैं। संभाग में 28 सीटें हैं और इनमें से 16 एसटी और 1 एससी वर्ग के लिए आरक्षित है। इसी वोट बैंक को साधने की मशक्कत हो रही है। वहीं उदयपुर में 2 दिन पहले हुई बैठक में भाजपा की ओर से जिले के 4 विधानसभा में चुनिंदा जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया। 84 और डूंगरपुर सीट के संभावित उम्मीदवारों से 1-to-1 चर्चा की गई। वागड़, मेवाड़ की स्थिति को देखें तो यहां 6 जिलों में 28 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से 14 सीटों पर बीजेपी की जीत, 11 सीटों पर कांग्रेस की जीत, 2 बीटीपी और 1 निर्दलीय प्रत्याशी ने विजय हासिल की थी। डूंगरपुर जिले की 4 में से मात्र 1 सीट पर बीजेपी जीत पाई थी। शेष 3 सीट पर बीटीपी और कांग्रेस ने जीत हासिल की। नरेंद्र मोदी 26 नवंबर 2018 को बेणेश्वर में चुनावी सभा को संबोधित कर चुके हैं। राहुल गांधी 16 मई 2022 को बेणेश्वर धाम पहुंचे थे। 132 करोड़ की लागत से पुल का निर्माण का शिलान्यास किया। इसके बाद ही भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी। वसुंधरा राजे साल 2013 में बेणेश्वर मेले की शुरुआत के दौरान शामिल हुई। अशोक गहलोत बेणेश्वर धाम पर कई दौरे कर चुके हैं। बेणेश्वर में 3 जिलों की बैठक को संबोधित करने चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और उदयपुर जिले से सबसे नजदीकी होने के कारण बेणेश्वर राजनीतिक दलों के लिए चुनावी मंच का रूप लेता जा रहा है। संत मावजी की लीला स्थली बेणेश्वर के धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से विकास करने की अपार संभावनाएं हैं। पूर्व में यहां पर पीएम नरेंद्र मोदी, कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी, सीएम अशोक गहलोत समेत कई दिग्गज नेताओं की सभाएं हो चुकी हैं। यहां पर हाल ही में राज्य सरकार ने विकास के लिए 100 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। इसके अलावा 136 करोड़ की लागत से पुल का निर्माण हो रहा है। बेणेश्वर धाम के जरिए राजनीतिक दल वोट बैंक को साध रहे हैं क्योंकि डूंगरपुर, बांसवाड़ा में करीब 70% आदिवासी मतदाता है। भाजपा ने अपनी इस परिवर्तन यात्रा के जरिए डूंगरपुर, बांसवाड़ा की 9 सीट समेत वागड़ और मेवाड़ की 16 सीटों पर फोकस किया है। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री ने संत मावजी महाराज के चौपड़ों का अवलोकन भी किया। इस बार भाजपा ने कार्यकर्ता का मन जानने के लिए गुजरात के 4 विधायक को जिले के 4 विधानसभा क्षेत्र में भेजा है। हिम्मतनगर विधायक बीडी झाला, धंधुका विधायक कालूभाई डाबी, नंदोत नर्मदा विधायक दर्शना बेन देशमुख, व्यारा तापी विधायक मोहन भाई कोंकणी चारों विधानसभा में पहुंचकर कार्यकर्ता से संवाद कर रहे हैं, फीडबैक को आलाकमान तक पहुंचा रहे हैं। बेणेश्वर में हुई बैठक में विधायक गोपीचंद मीना, कमलेश पुरोहित, प्रमोद सामर, जिला प्रमुख सूर्य आहारी, भाजपा बेणेश्वर मंडल अध्यक्ष कुमार सिंह पवार आज मौजूद रहे।